अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम माहिर लोधी है और मेरे साथ जो शख्सियत बैठा हुआ है वो है सैयद मिजान महमूद। इसने अगर तारुफ ना कराना है तो करा ले। सैयद मिजान महमूद हूँ मैं यार। ओ भाई ओ भाई, मारो मुझे मारो। सैयद मिजान महमूद है यार, पहचान लो यार। मुद्दे पे आएंगे सीधा कि हमने आज अपनी पुरानी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देना है। हमने सोचा था कि हम टिकटॉक्स पे रिएक्शन देंगे, बट स्ट्राइक आने का कुछ पता नहीं कि कब कैसे आ जाए, तो हमने ये सोचा। माय गॉड, खतरनाक वो बिल्ली गुजरी थी असल में। तो हमने ये सोचा कि यार हम ओ ओ, ओ रोला हो गया बिल्लियों का। मलक ने कॉल करो, अबासी जी ने कॉल कर, रोला हो गई। अब हमने ये सोचा कि यार हम टिकटॉक पे रिएक्शन देंगे, लेकिन उनकी नहीं, अब हम दोनों की टिकटॉक पे रिएक्शन होगा। ये हमने टिकटॉक बनाने का गुनाह किया था मैट्रिक में, उस टाइम हाँ उससे पहले। अच्छा, नया नया डव स्मैश आया था, एक ऐप आई थी ना, जो पहले के यूजर्स हैं ना उनको पता होगा कि भाई डव स्मैश ही बेसिकली आया था, टिकटॉक के बाद में आया था। तो जब नया नया आया तो भाई मुझे ना एकदम जोश चढ़ा, मैंने कहा फेसबुक पे पेज बनाते हैं और दिनों मशहूर होंगे। मशहूर क्या हुए, उल्टा बदनाम हो गए। और लान तान सही कमेंट में हुई थी, वो क्यों हुई वो आपको भी हम रिएक्शन दिखाएंगे, साथ आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस पे देना बनती हुई है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप हमारी अगली पॉडकास्ट देखेंगे। और आप शादी यहाँ से अनफॉलो होगा, रिपोर्ट होगा पेज। वो गाली देना बनती भी थी, मैं खुद अपने आप को गालियाँ देता हूँ। कंटेंट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी पहली वीडियो का आगाज करते हैं। हम ये वाला गुनाह करने लगे हैं। अच्छा जी, अरे शक्ल देगी मुझे अंधी आ रही है। अच्छा, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ। बड़ी गाल कितनी है, बात एक मिनट, तालियां मेरे लिए, तालियां। थैंक यू फॉर। मुझे एक बात पूछने दे, तूने ये वाले हाथ से क्यों मुंह पकड़ा? पता नहीं क्यों किया था मैंने, भी शशके मारे तफा मारे। हाँ, असल में ये रिएक्ट करता है, मुझे चपेट पड़ी है, पता नहीं क्यों। हालांकि सीन में असल में कुछ चपेट नहीं पड़ी थी। अच्छा जी, अगली वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, ये मैं एक दिन में कुत्ते एकदम बनाना शुरू हो गया था। मैंने कहा ये वाली वीडियो तो कमाल की है ना भाई। ओ ये देखो भाई, ये डॉन अपने दोस्तों का हाल पूछना देख। यूनिकॉर्न बना हूं मैं, अपने दुश्मनों की खबर हमेशा रखता। यूनिकॉर्न या यूनिहॉर्स? यार एक सेकंड, इसकी ग्लासेस देखी है आपने? क्या क्या ग्लासेस है मैं कहता हूँ। अच्छा, ये वाला तो डेड एंड था। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। यार इसमें पहले इस बंदे की शक्ल देखें। यार ये वाली लगा। ओ भाई। यार ये सबसे ज्यादा मुझे इस वीडियो देख के शर्म आती है कि मैं क्या जबलियां मारता था और इन्हें पकड़ के प्लॉट भी कर देता था। अच्छा जी, ये वाली चीज अच्छी है। जल चूतिया। मैं इसका जीएम वो बनेगा, जीएएफ। ओए नहीं, वो एक बारिश वाली भी तो थी ना हम दोनों की, वैसे सर्दी वाली। ये हां बेटा स्वेटर पहनो, बेटा स्वेटर पहनो, बेटा स्वेटर पहन। लाली छतर स्वेटर पहन, फ्लाइंग फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। यहाँ से हमारी ना वीडियोस का आगाज हो चुका था। 791 व्यूज भाई, मजाक है। ब्राउन ओए ये देख। ओए हाँ, ये वाली वीडियो है। हेलो, तो टाइम निकाल लें आप। हाँ जी, अच्छा रिजल्ट आ गया। रजी तो कैसा नहीं आया? चलो मैं पूछती हूँ। हाँ जी, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं बता दूंगा। चलो मैं पूछती हूँ, बाद में बात करती हूँ। रजी। हाँ जी मामा। बेटे इधर आओ। आया। रजी को चेक करें आप। हाँ जी बोले। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आना था आज? नहीं नहीं, हाँ बस वो, हाँ नहीं नहीं, वो क्या लगाई हुई है सीधा बताओ, आया ना रिजल्ट, आया कि नहीं आया? ओह यार, बताया तो भी गया, ना बताया तो भी गया। क्या सोच रहे हो बताओ, आया कि नहीं आया? मैं कह रही हूँ क्या सोच रहे हो? रजी के पापा, एक मिनट बताता हूँ। हाँ बताओ। जी मैं फेल हो गया।
अभी मेरे खानदान वालों को क्या बोल दिखाऊंगी मैं, अभी तेरी खाला पूछ ही नहीं मुझसे कि मैं क्या बताऊंगी उन्हें। अपना कैमरा ला के दो ना जरा मुझे, हमारे दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, तस्वीरें खींचते रहते हो, पढ़ाई में तो कभी दिल दिया ही नहीं बगैर ना हो तो मैं बता दूं तेरे पापा को भी। अच्छा ये वाली जो थी ना देसी पेरेंट वाली, इसके बाद मैं अपनी स्कूल में तो थोड़ा बहुत हो गया था, क्लास में बड़ा मशहूर हो गया था। रजी के मामा, रजी की मामा, हाँ रजी की मामा सर बाबर है हमारे मैथ के ना, वो बड़े सख्त टीचर हुआ करते थे। अब तो खैर उनसे अच्छी दोस्ती है, लेकिन जो मैट्रिक में था बड़ी अच्छी बड़ा सख्त हुआ करते थे वो ना। तो मैं जनाब जैसे जिस दिन वीडियो अपलोड किया अगले दिन ना मेरा अंडा आ गया टेस्ट में, और सा डंडे भी मारे, हाँ और बन रजी की मामा तू, और बन ठा, और बन तू रजी की मामा ठा, और उसके बाद से मेरा नाम पड़ गया रजी की मामा। और बस उसके बाद मैं जब आई गेस मंथली टेस्ट में मैं शायद मेरा कम नंबर आए थे, क्या हुआ था हाँ फेल हुआ ना, इतना नहीं ओपनली बता सकते ना, समझा करो। तो भाई उस टाइम मैंने डंडे पड़ते साथ बोला था, मैं तुम्हारे रदी रदी के पापा कहने को बुलाओ जरा, रदी भी फेल हुआ था मेरे साथ, कहते रदी के पापा को बुलाओ जरा। मैंने कहा पापा कहाँ से लाऊं मैं। तो यार ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर बिल्कुल पसंद नहीं भी आई और आई भी है तब भी आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ये कंपलसरी। क्या पता किसी को पसंद आ जाए शेयर करने पर, कोई एक तो होगा ना। चलो अच्छा किसी किसी के वो किसी की किस्मत खुल जाए, कोई हमारी वीडियो देख के वो कहे जी भाई चलो अब मैं भी बनाता हूँ, मोटिवेशन आ जाए, हमारा क्रंजी कंटेंट तो नहीं चढ़ा, हो सकता है उसका चल जाए। अच्छा तो इस बात से हम इख्तिताम करते हैं वीडियो का, कि ये अच्छी बात करेगा, जैसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अच्छी बात करेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या आ जाए, एक मौका इसे दे देते हैं, मेरे से अच्छी बातें नहीं निकलेंगी यार। अच्छी बात मेरे पास सिर्फ यही है, हम लोग मतलब बचपन के अंदर हम लोग पुट्ठी सीधी वीडियोज और बनाते बनाई तो हैं, लेकिन ये उस टाइप की नहीं है कि मतलब जिस जो बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब और टिकटॉक के ऊपर जो आजकल गंद चल रहा है, अगर हम वो वाली बनाते हो सकते शायद आज हम मीडिया भी ना पढ़ रहे होते और हम लोग इस तरह ड्राम्स को से बैठ के हम लोग अपना चैनल वगैरह भी ना चला रहे होते, क्योंकि पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करना था। तो कम से कम अगर आपने ये वाला काम करना है तो यार काइंडली इतना ना करो कि हद में रह के करो। तो बस यही है, बाकी अगर माहिर कुछ कहना चाहेगा। मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात छेड़ी है। आई नो हम लोग होते नहीं ऐसा की बात करने में, लेकिन मैं भी टिकटॉक अक्सर देखता हूँ, तो यार टिकटॉक अब ऐसी ऐप बन चुकी है आप फैमिली के साथ बैठ के बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। हालांकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने अपना टैलेंट शो करना, ऐसी बात नहीं है कि यार हम लोग लाइक हम बड़ा कोई टैलेंटेड हैं, नहीं हम टैलेंटेड नहीं है, बट हम ये भी नहीं फैला रहे। आजकल मोबाइल हर छोटे बच्चे के हाथ में होता है और हर बड़े बंदे के हाथ में होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही वहाँ पे कहीं कॉन्टेंट है या बेहयाई फैल रही है, टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ पे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की लेम वीडियोज़ बनाती है, हमारे बच्चे भी देखते हैं। तो अगर बात छेड़ी गया तो यार आप हमारी फ़र्ज़ देख लें जाके। अच्छा तो फ़र्ज़ आपने अगर नहीं देखी थी आज आगे देखें, वो इस पेंडेमिक सिचुएशन में बनाई थी, वो जो है शॉर्ट फिल्म हमने डॉक्टर के प्लेटफॉर्म में दी थी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया था, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। तो बस आज अंधेरा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। आज की पॉडकास्ट है बोरिंग मुझे पता हुई होगी लाजमी तौर पर, क्योंकि आज बैटरी थोड़ी लो हो गई थी। अच्छा ना हमारी बैटरी लो नहीं थी, हमने 6 दफ़ा एक सेकंड इसलिए हुई है। ओके जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अब बोलता है कार्डिनल दफा हो जा। मैंने कार्ड दिया।